शंकर और फुकरा इंसान के बीच में आके बैठ गए एल्विश और बताया सेल फोन के बारे में। भाई मोबाइल फोन के बारे में जिक्र करते हुए एक बार फिर से घर में नजर आए हैं एल्विश। एल्विश काफी सारा जिक्र करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और अभी फिर दोबारा से मोबाइल फोन के बारे में बात हुई है। जिया और फुकरा इंसान बात कर रहे होते हैं, इससे पहले जो है मनीषा सब चीजें बता देती है एल्विश को कि भाई जिया मेरे बारे में क्या क्या चुगलियां कर रही थी। एल्विश को अब सब चीजें पता चल गई है, एल्विश ने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की। पर अब जो है ये पता चलने के बाद एल्विश जो है दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में आके बैठ जाते और ऐसा करके जिया को देखने लग जाते और जिया बोलती कैसे बैठ गया बदतमीज सा, बात ही नहीं करने दे रहा, मेरे को डिस्ट्रैक्ट ही कर दिया। बोला ठीक है कर ले, मैं दूसरी तरफ मुंह करता हूँ। फिर उसके बाद अविनाश के बारे में ये दोनों बात करने लग जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है ऐसा है, वो उठ के ही नहीं जाते। इससे पहले जो है बोलते भाई टाइम कितना हुआ है, वो बोलते भाई घड़ी नहीं पहनी, तो मोबाइल में नहीं देखा क्या, तूने देख लिया मोबाइल, हाँ देख लिया, टाइम तो अभी देख के आता हूँ। तो मोबाइल के बारे में वहां पर फिर से बात हुई और जिया को भी बोला कि तुझे पता कि मेरे पास कौन सा मोबाइल है, और बिग बॉस डर गए और बिग बॉस ने घुमा लिया कैमरा, और कैमरा इसलिए घुमाया कि हम लोग जैसे बातें करेंगे ना कि हाँ सच में मोबाइल फोन है पूजा के पास, क्या अब तो एल्विश के पास भी है और ये चीज जो है फुकरा इंसान को भी पता है, पर हम पागल थोड़ी ना बैठे ऐसी सब चीजें करेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।